नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीना झा। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आरतियों की समस्या को लेकर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहाँ हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, 8,712 पदों पर होने वाली भर्तियाँ रद्द कर दी गई है। पीजीटी शिक्षकों की 7,036 भर्तियाँ रद्द कर दी गई है, तो सहायक प्रोफेसर की 402 नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीजीटी की 1,274 पदों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां रद्द की है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्तियां रद्द की गई है। पीजीटी शिक्षकों की 7,036 भर्तियां रद्द की गई है, वही सहायक प्रोफेसर की 402 नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये तमाम भर्तियां जो है वो रद्द कर दी गई है। नए सिरे से ये भर्तियां होंगी, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्तियां जो है वो रद्द कर दी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां रद्द की है, नए सिरे से अब ये भर्तियां होंगी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि अब नए सिरे से ये भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां रद्द की है, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्तियां जो है वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती प्रक्रिया रद्द की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, नए सिरे से ये भर्तियां की जाएंगी। और चलिए लौटते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर, जो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आरतियों की। जी हाँ, लगातार इनकी समस्याएं जो है वो बनी हुई है। मंडियों से गेहूं की जो बोरियां हैं उसका उठान नहीं हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश की कृषि व्यवस्था का हाल क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। कृषि व्यवस्था पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोई अपने काम का हिसाब तक नहीं देता कि हमने कृषि व्यवस्था को संकट से उभारने के लिए क्या किया। कुछ कहते हैं कांग्रेस और कांग्रेस कहती है बीजेपी। कोई कुछ महीने बोलता है तो कोई 15 साल किसी राज्य में सरकार चलाकर भी नहीं बता पा रहा कि हमने समाधान क्या किया। अच्छे कामों का क्रेडिट लेने के लिए सियासतदानों के दावों की कड़वी हकीकत आज हम आपको लोहारू मंडी के सूरत हाल के जरिए बता रहे हैं, जहाँ आरतियों ने डीएम का घेराव कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। राज्य सरकारें और अपने निगमों के जरिए मंडियों में अनाज खरीदती है। किसान और निगमों के बीच एक मध्यस्थ होता है जिसे हम एजेंट और आरती कहते हैं। किसान खेत से गेहूं लेकर आता है और मंडी में रख देता है। उसके बाद एक कर्मचारी आता है तो गेहूं की नमी की मात्रा तय करता है और परचेस इंस्पेक्टर को खरीदने की अनुमति दे देता है। किसान के उस गेहूं को तोलने को लेकर बोरे में भरने तक और उसे ट्रक में लादकर निगमों के गोदामों तक पहुंचाने का काम आरती का है। इसके लिए आरती को हर 50 किलो गेहूं की बोरी पर 6 रुपए की मजदूरी देनी पड़ती है। बदले में खरीदने वाली एजेंसी आरती को 2.5% का कमीशन भी देती है। अगर 1450 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का खरीद मूल्य है तो उसमें आरती को 35 से 36 रुपए मिलते हैं। सरकार की ओर से 72 घंटे के अंदर आड़तियों का भुगतान किया जाना है, लेकिन लोहारों की अनाज मंडी में सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए आड़तियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और 72 घंटे तो दूर, यहां एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों का भुगतान नहीं किया गया। परेशानी तो बहुत बड़ी है भाई साहब। 29 तारीख को एफेड ने माल खरीदा था, जबकि सरकार कह रही है 72 घंटे में हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन 29 तारीख तक की अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। सरकार की इस मनमानी के खिलाफ आड़तियों ने मोर्चा खोल दिया है और अपने साथ होती अनदेखी से सरकार को रूबरू करवाने के लिए मंडी पहुंचे डीएम देवपाल का घेराव किया। आड़तियों ने अब सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनकी आत्महत्या का दोषी अब सरकार होगी। अब त-
तक हमारी इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकलता है, डीएम साहब को हम यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। आरतियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए डीएम साहब ने अब जल्द से जल्द सही भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। आगे पेमेंट की जो बिडिंग हो रही है उसकी पेमेंट की जो बात है मैंने अभी ऊपर बात करी है तो उन्होंने एग्री किया है कि हम उनकी आगे की पेमेंट कर देंगे। कृषि व्यवस्था और किसानों की समस्या का समाधान का नारा देने वाले सियासतदानों के लिए जरूरी है मंडियों में जाकर रियलिटी टेस्ट करें, तब शायद सत्तासीन नेताओं को पता चल पाएगा कि मंडियों में किस तरह आढ़ती और किसान भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मंडियों में उनके बैठने की व्यवस्था को देखिए, रातों को पहरा देने के लिए कोई चौकीदार तक नहीं, पुलिस तक नहीं, किसान रात भर जागकर अपने अनाज की चौकीदारी करता है। इन हालातों को देखें तब शायद हमारे नेताओं को पता चलेगा कि सरकारी आश्वासनों की हकीकत क्या है और क्यों आज प्रदेश का अन्नदाता आत्महत्या करने पर बेबस है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान किस कदर परेशान है वो तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आढ़ती यहाँ पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो मांगे कर रहे हैं सरकार से कि गेहूं का उठान जो है वो करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और इसी पर हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोहारू से महासिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। महासिंह, आप तक आवाज पहुंच रही है? महासिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महासिंह, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? मुझे आवाज पहुंच रही है। लोहारू अनाज मंडी के अंदर करीब एक हफ्ते से उठान नहीं हो रहा है और कल डीएम वेजपाल मलिक यहाँ का समस्या जानने के लिए आए थे तो वहाँ आज भी भड़क गए और उनको मार्केट कमेटी कार्यालय के अंदर घेर लिया और आगे धरने पर बैठ गए। और आढ़तियों की मांग है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और गेहूं का उठान किया जाए। अगर तब तक उठान नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा और आढ़ती और किसान के बीच तूतू मंदे का खेल शुरू हो गया क्योंकि सरकार पेमेंट नहीं करती, 72 घंटे का दावा कर रही है और सरकार पेमेंट नहीं करी तो आढ़ती किसान का भुगतान नहीं कर पा रहे। इस बीच में आढ़ती और किसान के बीच झगड़े पटने की नौबत आ गई। इससे कल डीएम को आढ़तियों ने घेर लिया है और चेतावनी दी है अगर जल्द भुगतान नहीं किया तो उनके सामने मरने की नौबत आ गई, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। जी बिल्कुल महासिंह, आढ़तियों का क्या कुछ कहना है क्योंकि रिपोर्ट में हमने दिखाया साफ तौर पर आढ़ती जो है वो परेशान है क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। आपने भी वहां का जायजा लिया होगा, आप पहुंचे होंगे कवरेज के लिए, आपने क्या कुछ वहां पर देखा? देखिए पिछले दिन गेहूं की क्वालिटी से लेकर के सरकार ने मापदंडों में ढील दी थी, जो उठान हो रहा है उन गाड़ियों को बयानी जो बिल्कुल। चलिए महासिंह, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जो पानीपत से आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से हम आप तक पहुंचवा रहे हैं जहां अज्ञात हमलावरों ने महेंद्र चावला को गोली मारी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है पानीपत से। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं जहां अज्ञात हमलावरों ने महेंद्र चावला को गोली मारी है, उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आसाराम और नारायण साई केस में मुख्य गवाह है महेंद्र चावला जिसे गोली मारी गई है। तो पानीपत से ये बड़ी खबर जहां पर महेंद्र चावला को गोली मारी गई है। आपको बता दें गंभीर हालत में अस्पताल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आसाराम और नारायण साई केस में मुख्य गवाह है महेंद्र चावला और महेंद्र चावला को गोली मारी गई है। तो आसाराम और नारायण साई केस में ये मुख्य गवाह है और उसे गोली मारी गई है। देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो मुख्य गवाह था महेंद्र चावला उसे गोली मारी गई है, क्या कुछ पता लगा पाई है पुलिस अब तक कि किसने गोली मारी है? बिल्कुल, सनोली रोड स्थित इनका घर है महेंद्र चावला का, वहाँ ये सुबह कपड़े धो रहे थे घर के अंदर। उसी समय दो अज्ञात हमलावर जो है पल्सर बाइक के ऊपर आए और इनके घर के अंदर ही इनको गोली मारी गई है और गोली जो है वो पीठ में लगी है। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है, अभी निजी अस्पताल में इनको दाखिल कराया गया है। SP जो है मौके पे पहुंच चुके हैं। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह ये हमला हुआ क्योंकि जो महेंद्र चावला है जो नारायण साई के केस में मुख्य गवाह थे, सबसे पहले इन्होंने ही नारायण
साईं द्वारा जो पर्चियों के ऊपर लिखा जाता था तंत्र मंत्र उसको उजागर किया था। उस केस के मुख्य गवाह है ये और कई बार ये पुलिस से अपनी जान का खतरा बता चुके थे और उसके पुलिस प्रोटेक्शन मांग चुके थे लेकिन इनको दी नहीं गई थी। आखिरकार इनके ऊपर हमला हो गया और आज गोली इनकी पीठ में लगी है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब पुलिस किस तरीके से इस पूरी मामले की छानबीन कर रही है क्योंकि एक बड़ी खबर यही है क्योंकि ये मुख्य गवाह थे नारायण साई और आसाराम के केस में और अब कहीं ना कहीं इन्हें गोली मारी गई है, हालत भी नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल, पुलिस जो है अब कई बिंदुओं पर काम कर रही है क्योंकि आसाराम और नारायण साई के जो भक्त है वो यह काफी संख्या में पानीपत और आसपास के इलाके में है जो इनको पहले थ्रेट दे चुके थे और उसी को जांच में विषय बनाकर पुलिस काम कर रही है क्योंकि जिन लोगों के नाम इन्होंने पहले लिखवाए थे जान जिनसे इनको खतरा था उन्हीं पे शक के दायरे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। और एसपी राहुल शर्मा जो है वो मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने महेंद्र चावला से जानकारी लेने की कोशिश की और किस तरह से वो उनका जो हमलावर थे वो दिखते थे, पूरी जांच जो है पुलिस की आगे बढ़ रही है। चलिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसाराम और नारायण साई केस में मुख्य गवाह थे महेंद्र चावला और उन्हें गोली मारी गई है, अब उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है लेकिन गंभीर हालत उनकी बताई जा रही है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, विज्ञापनों में नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीर, केवल राष्ट्रपति, पीएम और सीजीआई की तस्वीर ही लग सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है जहाँ आपको बता दें कि विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर अब नहीं लगेगी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, केवल राष्ट्रपति, पीएम और सीजीआई की तस्वीर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला सामने आया है जहां विज्ञापन में अब नेताओं की तस्वीर नहीं लगेगी बल्कि अब नेताओं की बजाय केवल राष्ट्रपति, पीएम और सीजीआई की तस्वीर ही लग सकती है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर विज्ञापनों में अब नेताओं की तस्वीर नहीं देखने के लिए मिलेगी बल उनकी जगह राष्ट्रपति, पीएम और सीजीआई की तस्वीर ही लग सकती है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा फैसला है। अमूमन हम देखते हैं जितने भी सरकारी विज्ञापन होते हैं, चाहे वो सरकार केंद्रीय विज्ञापन होते हैं, चाहे वो राज्यों से संबंधित विज्ञापन होते हैं, विज्ञापनों में काफी नेताओं की फोटो लगती है। जिस राज्य की सरकार होती है उसके मुख्यमंत्री के अलावा जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उनकी फोटो लगती है। इसी तरह जो केंद्रीय विज्ञापन होते हैं अमूमन उनमें भी देखने को मिलता है, चाहे सरकारी किसी भी दल की रही हो लेकिन उन विज्ञापनों में जो पार्टी के सुप्रीमो होते, जो पार्टी अध्यक्ष होते उनकी भी फोटो लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उनमें नेताओं की फोटो से सरकारों को बचना चाहिए, सिर्फ जो फोटो लगनी चाहिए चाहे वो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या सीजीआई की ही फोटो लगनी चाहिए, बाकी जो नेता होते उनकी फोटो से सरकारों को बचना चाहिए। बिल्कुल अनिल, क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जाए? बिल्कुल, देखिए अमूमन हम देखते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें बदलती रहती है लेकिन जो सरकारी विज्ञापन होते हैं वो बदस्तूर जारी रहते हैं, चाहे कहीं पे होर्डिंग्स लगा लीजिए, चाहे जो समाचार पत्रों के जरिए जो सरकार विज्ञापन देते हैं, उन विज्ञापनों में जो सरकार के मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया के अलावा जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के अध्यक्षों की फोटो भी काफी बार देखने को मिलता है। इसी को लेकर लगातार आपत्तियां जताई जा चुकी है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन इन सभी विज्ञापनों में अमूमन यही देखने को मिलता है जो सरकार के मुखिया होता है, सरकार के मुखिया के अलावा जो पार्टी के जो संगठन के नेता होते हैं, उन संगठन के नेताओं की भी फोटो देखने को मिलते हैं। और कायदे से जो नियम कहते हैं, नियम के तहत जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उनकी फोटो सरकारी विज्ञापनों पर नहीं लगनी चाहिए, सरकारी विज्ञापनों पर जो सरकार के मुखिया होते हैं उन्हीं की फोटो लगनी चाहिए। और ये संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सरकारी विज्ञापन होते हैं उन पर प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या सीजीआई की ही फोटो होनी चाहिए, बाकी जो नेता होते हैं उन नेताओं की फोटो से सरकारों को बचना चाहिए। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला जहां विज्ञापनों में अब नेताओं की तस्वीरें नहीं लगेंगी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला सामने आया कि विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम और बड़ा फैसला कि अब विज्ञापनों में
नेताओं की तस्वीर जो है अब वो नहीं लगेगी, केवल राष्ट्रपति, पीएम और सीजीआई की तस्वीर लग सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आढ़तियों को लेकर। जो आढ़ती हैं वो परेशान हो रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि गेहूं का उठान कराया जाए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी, बिना रुके बिना थके। हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आढ़तियों की। जी हाँ, आढ़ती जो है वो परेशान चल रहे हैं, अब सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है। तो आढ़ती को हर 50 किलो गेहूं की बोरी पर 6 रुपए की मजदूरी देनी पड़ती है, बदले में खरीदने वाली एजेंसी आढ़ती को 2.5% का कमीशन देती है। आढ़तियों का ये हक है लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बता दें लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देश की कृषि व्यवस्था का हाल क्या है और ये किसी से छिपा नहीं रह गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आढ़ती जो है वो परेशान चल रहे हैं क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। कृषि व्यवस्था को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोई अपने काम का हिसाब नहीं देता
और हमने कृषि व्यवस्था को संकट से उभारने के लिए क्या किया है, कुछ कहते हैं कांग्रेस और अलग अलग राजनेता जो हैं, अलग अलग राजनेताओं पर वो बयान देते हैं, उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की सरकार है, अब यहाँ पर राज्य में नई सरकार तो बनी, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो है समस्याओं की जस की तस बनी हुई है। व्यापारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया, आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इनके प्रदर्शन का कोई भी नतीजा जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार वो प्रदर्शन करते रहते हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो आपको बता दें, पहले प्रदेश के किसान परेशान थे क्योंकि उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, लेकिन अभी भी किसानों की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उचित मुआवजे का तो वादा उन्हें किया गया, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों की गिरदावरी अभी तक नहीं हुई है, तो किसी की गिरदावरी में ही धांधली हुई है, तो कहीं पर उचित मुआवजा ही नहीं दिया गया है। वही आढ़तियों की अगर बात की जाए तो आढ़ती परेशान है क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे समस्या का समाधान निकाला जाए, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जो है वो चुप्पी साधे हुए है, एक गहरी नींद में वो सो रही है कि तमाम प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी नींद जो है वो टूट नहीं रही है। हैफिट के डीएम हमारे साथ वेदपाल मलिक जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वेदपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वेदपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? वेदपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है। वेदपाल जी, यहाँ पर आरती जो है वो परेशान चल रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि गेहूं की उठान की जाए, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, आखिर क्यों? देखो, हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 156,000 मेट्रिक टन की परचेज हुई है आज तक, जिसमें से हमने 142,000 मेट्रिक टन का उठान हो चुका है जी, और ये लगभग ये परसेंटेज हमारी 92% है जी। 8% के करीब हमारा माल मंडियों में है, जो कि आने वाले 2-3 दिन में मंडियां क्लियर कर दी जाएंगी जी। वेदपाल जी, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है आढ़तियों की तरफ से, क्योंकि वो परेशान चल रहे हैं, वो चाहते कि गेहूं का उठान किया जाए, आखिर उनकी सुनी क्यों नहीं जा रही, उनकी परेशानी का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? नहीं, आप पार्टिकुलर किसी मंडी की बात कर रहे हैं कि जनरल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की? नहीं, हम पूरी बात कर रहे हैं आरतियों की। जहाँ पर अगर हम बात करें लोहारू की, तो लोहारू में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिली जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया आरतियों ने, लेकिन उनकी अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। उनकी मैं कल जो प्रदर्शन हुआ उस टाइम मैं मंडी में था जी, और वहाँ से लोहारू का सारा माल हमने एफसी में देना है भिवानी में जी, और वहाँ पर कल तक की थोड़ी सी प्रॉब्लम लेबर की रही है एफसी में जी, इसके कारण उठान थोड़ा सा धीमा था। कल हमने पहले भी मैंने बात करी है 2-3 बार उनके एरिया मैनेजर से, और कल के बाद उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि हम लेबर और बढ़ा देंगे और उसके बाद उठान की जो स्पीड है बढ़ जाएगी। चलिए, आने वाले 2-3 दिन में हम लगभग मंडी को क्लियर। चलिए, बहुत शुक्रिया वेदपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है आरतियों की तरफ से, लेकिन उनकी समस्या जो है वो कम नहीं हो रही है, लगातार वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करते हैं ताकि जो उनकी समस्या का हल निकाला जाए, लेकिन लगातार यहाँ पर तस्वीरें जो है वो जस की तस बनी हुई है। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।